हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेल, अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है यहाँ पे। कुछ दिन पहले काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी लास्ट 2 दिन से बारिश हो रही थी तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। मैं थोड़ा बाहर आई थी, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे पीछे एक सुंदर सा विलेज है। एक्चुअली यहाँ पे विलेज में घर काफ़ी सुंदर होते हैं और खुला एरिया होता है। तो अभी बात करते हैं आज की वीडियो का। एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी किसी जॉब के रिलेटेड, और मैं रियली शॉक होगी उसकी पे देख के। एक्चुअली काफ़ी डेज से मेरे माइंड में था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, लेकिन अभी वो रिसेंट पोस्ट देखने के बाद तो मैंने सोचा कि चलो अभी बना लेती हूँ, आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप गैस कर सकते हो उसकी पे कितनी होगी पर आवर। एनी गैस? £30 पर आवर। गैस, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो और आप वो जॉब करते हो तो 20 आवर में ही आप कितना कमा लोगे यूके में, आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। एक्चुअली गाइस, उसके बाद मैं आ गई थी घर वापस। काफ़ी हवा की नॉइज़ थी तो मैंने सोचा कि आगे की वीडियो घर जाके ही कंटिन्यू करती हूँ। तो आप सब वेट कर रहे होंगे अब तक कि वो फील्ड कौन सी है। वो फील्ड है बेसिकली, आप उसे ब्यूटिशियन भी बोल सकते हैं, काफ़ी लोग पार्लर का काम भी बोलते हैं। तो आपको अगर वो स्किल्स आती हैं तो आप यूके में काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। अगर नहीं भी आती और आपके पास टाइम है तो प्लीज़ अगर आप सीख सकते हैं तो सीख के आएँ, बिकॉज सबसे लाइक जो बेसिक होता है अगर वो आपको आता है तब भी आप काम स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो मैंने देखी थी ना, वो एक मैंने ऐड के बारे में बात करी, वहाँ पर काफ़ी बेसिक काम चाहिए क्योंकि उनको मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल के लिए पर्सन चाहिए जो कि आप स्टार्टिंग में सीख लेती हो। लाइक वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता, लाइक जैसे थ्रेडिंग वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट होती है बिकॉज शेप्स एंड ऑल दोज थिंग के कारण। अगर आप बेसिक भी सीख के आओगे तब भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी लोग जैसे पैम्परिंग पार्टीज वगैरह करवाते हैं, स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ क्या करती हैं, जैसे इंडिया में किटी पार्टीज वगैरह होती है, यहाँ पे पैम्परिंग पार्टीज करती हैं लेडीज़। और उस पार्टीज़ में क्या होता है, बेसिकली मैनीक्योर पेडिक्योर फेशियल ऐसे करने के लिए वो काफ़ी लोग हायर करते हैं, और जो कंपनीज ये ऑर्गेनाइज़ करती हैं उनको काफ़ी पर्सन चाहिए होते हैं जिनको ब्यूटिशियन की नॉलेज है। इसीलिए जो मैं ये साइड में ऊपर यहाँ में जो पोस्ट शेयर कर रही हूँ वहाँ पर आप देख ही सकते हो कि लाइक उनको एक घंटे के लाइक उनको मिनिमम 2.5 घंटे के लिए कोई पर्सन चाहिए, और वो एक घंटे का £30 देने के लिए भी रेडी हैं। तो अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप ऐसी कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं जो जैसे जो ऐसी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं। उसके अलावा आप ये वाला काम फ्रीलांसर भी कर सकते हो। फ्रीलांसर में क्या होता है कि आप घर पे रहते, एक तो आप घर पे रहोगे, क्लाइंट आपके घर पे आएगा तो आपको ट्रैवलिंग वगैरह के चार्जेस नहीं होंगे। उसके अलावा मतलब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, जो भी फ्रीलांसर काम स्टार्ट करते हैं वो मेनली कैश इन हैंड लेते हैं। कैश इन हैंड इन द सेंस कि वो किसी भी अकाउंट में शो नहीं करवाते कि वो उनकी अपनी इनकम को। इससे उनको क्या बेनिफिट होता है कि उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। उससे भी बढ़िया चीज़ ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लाइक जैसे अभी एक्चुअली स्टूडेंट जो है वो फ्रीलांसर काम नहीं कर सकता, तो स्टार्टिंग में आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो किसी भी लाइक पार्लर वगैरह में काफ़ी यहाँ पे शॉप्स मिल जाती हैं इजीली, तो आप उनको अगर ज्वाइन करेंगे तो आपकी रीच भी होगी लोगों के तक, उनको पता भी चलेगा कि आपको काम आता है। जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं लाइक एक लेडी जिनके पास मैं जाती नॉर्मली मतलब, तो वो क्या करते हैं कि वो 2 डेज के लिए काम करते हैं किसी पार्लर में और उसके अलावा करते हैं फ्रीलांसर अपने घर पे। एक्चुअली लोग ऐसा इसलिए करते हैं यहाँ पे कि अगर आप 2 डेज में पार्लर में जाओगे तो आपकी रीच बनेगी, आप लोगों को मिलेंगे और लोगों को आप बता सकते हैं कि मैं फ्रीलांसर भी करती हूँ, आप मेरे पास आ सकते हैं। अगर लोगों को आपका काम पसंद आएगा तो लोग आपके पास आएंगे, और यहाँ पे एक्चुअल में इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा है। आप सोच नहीं सकते, यहाँ पे एक थ्रेडिंग के जो चार्जेस हैं वो 5 to 6 pound होते हैं, और थ्रेडिंग मीन्स ओनली जस्ट आईब्रोज। अगर आपने उससे अलावा कुछ करवाना है लाइक अपना फॉरहेड करवाना है या फिर अपर लिप्स करवाने हैं तो उसके पैसे अलग से लेते हैं। यस, तो ऑलमोस्ट लाइक 10 to 15 pound तक वो ले लेते हैं सिर्फ इतने काम का, जो कि 5 to 10 minute का काम होता है। नो डाउट स्किल्स चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये स्किल्स हैं या फिर आप ये स्किल्स सीख सकते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे आके एज ए पार्ट टाइम काम करने के लिए, यहाँ पे आके एज ए फ्रीलांसर साइड बाय साइड अपना बिजनेस या अपना काम खोलने के लिए। अगर आपके पास टाइम है यहाँ
पे आने से पहले, तो प्लीज़ ये वाला काम जरूर सीख के आए, स्पेशली गर्ल्स। अभी तो खैर बॉयज़ भी इस फील्ड में हैं, तो बॉयज़ भी सीख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने बनाई थी इसके रिगार्डिंग, बिकॉज मैंने अभी वो देखा ना पोस्ट, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। थैंक फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।